हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सब मंगलमय है और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही है। और जैसा कि सीबीएसई सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई भी अपने थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेके कुछ मॉडिफिकेशन करेगी, देखते हैं क्या करेगी क्या नहीं, और सबके सामने आ जाएगा। सिलेबस सबके लिए इक्वली रहेगा। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था हमारा चैप्टर, और केमिकल काइनेटिक्स में अपने 8 लेक्चर हो चुके थे। और हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे थे, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे कि डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड। तो वहाँ कौन कौन से डिफरेंट मेथड थे, तो हमने सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड के बारे में वहाँ पढ़ा कि हाफ लाइफ पीरियड्स आपके पास क्या थे। फिर आपने वहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट मेथड के बारे में पढ़ा कि इंटीग्रेटेड रेट मेथड से आप लोग उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। फिर आपने वहाँ डिस्कस किया कि सर ग्राफिकल मेथड हमारे पास किस तरह से थे। तो मैंने कल वो छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमको सबको रिवाइज कर रखा था, तो वहाँ मेन मकसद था ग्राफिकल मेथड को बताना। तो ग्राफिकल मेथड आप लोग अच्छे से कर लेना, और उसमें हर ग्राफ का आपको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को ज़्यादा करना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट है ये। अब इसी में ही आपके पास न्यूमेरिकल है, इसके बाद किसी चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आगे सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इसके चाहे एमसीक्यू हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे कंसेप्चुअल हो, और मैं तो देखो थोड़ा सा ये भी चाहूँगा कि आप लोग जो एमसीक्यूज हैं वो भी थोड़ा अच्छे से करें, ताकि थोड़ा सा क्या रहे कि चार चैप्टर ही सॉलिड स्टेट, अब जैसे इन्होंने इंक्लूड किया है, अब देखो कंडीशन ऐसी आ गई तो हो सकता है फिर दोबारा हटा दें। तो अब जैसे यहाँ चार चैप्टर हैं आपके पास, तो चार चैप्टर में जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है, देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन है वहाँ पर आगे भी हमारे पास केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, मैथ में भी बहुत चेंज आ जाते हैं, बायो में भी चेंज आ जाते हैं, केमिस्ट्री एज इट इज़। केमिकल काइनेटिक्स जैसा हम आज पढ़ रहे हैं ऐसे हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, जैसा हम आज पढ़ रहे हैं ऐसे हम लोग एमएससी में पढ़ेंगे, बस वहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आपके पास आनी है। तो आई होप आप थोड़ा सा समझ रहे हैं इन बातों को, और इनको अब देख रहा हूँ मैं कि डेली का डेली बच्चे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हम सब आपस में मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे ना, तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली, वो चाहे कैसी भी हो, मतलब चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, हमारे दिल में हो, हमारे कहते ना जुनून हो कि सर हमें करना ही है, तो हम इजिली कर सकते हैं। तो चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इनिशियल रेट मेथड, ठीक है? किसके लिए? कहता है कि आपके पास कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो उसके लिए हम लोग इनिशियल रेट मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। बहुत आसान सा मेथड है, आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग इंटीग्रेशन से भी करके आए, इंटीग्रेटेड रेट मेथड से भी किया, पर उसके लिए सबके लिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबके लिए अलग अलग था। ऐसे ही हमने हाफ लाइफ के लिए किया, उनके लिए भी सब कुछ अलग अलग था। ऐसे ही हमने ग्राफिकल मेथड किया। देखो मैं ग्राफ की बार 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 बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ग्राफ का आपको थोड़ा सा टैकल करना बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, फायदेमंद रहेगा। तो अगर हम ग्राफ अच्छे से कर लेते हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता कि भाई कुछ रह जाता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ आपसे जिक्र करूँ कि इनिशियल रेट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए किसी भी रिएक्टेंट को हम लोग ले लेते हैं, हमने कोई ले लिया ए, ए इसके स्टोकियोमेट्री यानी बी बी सी, और ये सी ले लिया प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है आपके पास, पी कोई भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेट लिख लेते हैं, रेट सबको लिखना आता है, आई होप आपको पता होगा कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट दो अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे। तो एक आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता था, और एक आपके पास डिपेंड करता था किस पे, जो हम लोग ये बात करते हैं इसकी, जो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब यहाँ अगर इसका रेट लिखते हैं तो इसका रेट अगर लिखेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यही निकालते थे, तो रेट इज इक्वल टू आपके पास आता था के इनटू में ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा, सी रेस टू पावर गामा, ये लेके चलते थे। और आपको याद होगा कि इसी अल्फा बीटा और गामा का सम आपके पास क्या कहलाता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट।
तो अब हम लोग इनिशियल रेट मेथड का कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप अब ये देखिए कि इनिशियल रेट मेथड से हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग इनिशियल रेट मेथड में क्या होगा कि आप लोग के यहाँ जो रिएक्टेंट दे रखे हैं हमारे को, तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, जो भी रिएक्टेंट दे रखा हो, तो आप देखते हो कि जनरली लिखा जाता है कि भाई रेट जो लिखते हैं ना हम लोग, सिंपल अगर रिएक्शन भी ले लेते हैं तो के ए रेस टू पावर एन लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए एन प्रोडक्ट ये था मेरे पास रिएक्शन और इसका रेट निकालना हो, तो ये टर्म्स हम लोग शुरू से लिखते आए हैं जिसमें हमने एन को डिफाइन किया था किससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, राइट। तो अगर हम इसको निकालने सीख जाए तो ऑलरेडी हमें पता लग जाएगा कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इनिशियल रेट मेथड में हम लोग रेट लिखना आना चाहिए, तो रेट आप सबको लिखना आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि इनिशियल रेट मेथड देखो कहता क्या है। अगर आप इनिशियल रेट मेथड यहाँ लिखना चाहते हो, आप बताते हो कि इनिशियल रेट मेथड आप इसको डिफाइन कर रहे हो, तो देखिए कैसे आप बताओगे यहाँ पे कि इनिशियल रेट मेथड आप किस तरह से लिख सकते हो। तो सबसे पहले कंसिडर कीजिए यहाँ पे, कंसिडर ए रिएक्शन, कंसिडर ए रिएक्शन कि कोई भी रिएक्शन ले लीजिए आपके पास। तो हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं कि ए ये रिएक्टेंट था, ये आपके पास बी बी रिएक्टेंट और ये सी सी रिएक्टेंट और ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है आपके पास, ये ठीक है ये बना रहा है। तो सबको पता है कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारे पास जो दे रखी है रिएक्टेंट ए बी सी, और अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू आपके पास ए बी सी, तो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे तो आपके पास अल्फा बी होगा, अल्फा बीटा गामा होगा जो क्या था आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट कोएफिशिएंट था। तो यहाँ अगर आप इसको लिखते हो तो आप यहाँ लिखोगे कि लेट सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड सी विद रेस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा, कि आपके पास जो कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट की ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट ए बी सी, अगर हम लोग इनकी बात करेंगे अल्फा बीटा निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा एंड गामा ये लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे यहाँ से रेट लिख लेंगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे के ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा और सी रेस टू पावर गामा, ठीक है। अब हमें यहाँ अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे इनिशियल रेट मेथड ये कहता है कि आपके पास जो भी आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है ना उसमें से एक कंसंट्रेशन आप क्या करो, सॉरी दो कंसंट्रेशन आप क्या करो कांस्टेंट करो, और उन दोनों के कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में आप लोग तीसरे का रेट लिख के आप डिफाइन कर सकते हो निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे है कि अगर हम लोग यहाँ क्या करें कि इफ मैं यहाँ एक कंडीशन लिख देता हूँ, इफ बी एंड सी इज कॉन्स्टेंट, बी एंड सी इज कॉन्स्टेंट, तो इसके लिए अगर हम लोग रेट लिख रहे हैं कि आपके पास एक न्यू रेट लिख रहे हो, न्यू रेट फॉर किसके लिए, कहता है फॉर आपके पास रिएक्शन, तो हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन क्या होगी, फॉर कंसंट्रेशन ए टू ए वन इसके लिए, ठीक है ए टू ए वन यानी वही फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, तो हम लोग इसी के ले लेके चलेंगे। तो आपको देखो क्या करना है, अगर आप ए से ए तक चल रहे हो तो देखिए यहाँ पर अगर आप रेट लिखते हो तो आर वन कर लिखना इसको, इसको लिखना आपके पास के, यहाँ लिखोगे आपके पास ए रेस टू पावर अल्फा और बी रेस टू पावर बीटा और सी रेस टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा गामा। तो नया के लिए लिखोगे रेट टू तो आपके पास ये तो हो जाएगा के, इसको के डैश कर लो के डैश, ये हो जाएगा ए वन अल्फा बी बीटा और सी आपके पास क्या हो जाएगा गामा। तो देखिए ढंग से ये और ये वैल्यू आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, बताइए ये और ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इन दोनों के देखिए इसको इक्वेशन वन मानिए, इसको इक्वेशन टू मानिए, और इक्वेशन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या करोगे वन डिवाइडेड बाय आर वन डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे आर टू। तो हमारे पास क्या मिला आर वन डिवाइडेड बाय आर टू, ये आपके पास क्या मिल जाएगा, तो आप यहां दिखा सकते हो सर के डैश अपॉन में के डैश, ये हो जाएगा ए अल्फा और ए वन अल्फा, ठीक है आप ए वन लिखो ए टू लिखो ए डैश लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम इनिशियल फाइनल की बात कर रहे हैं। तो इस के से ये क्या कैंसिल, तो आपके पास देखिए क्या बचा, तो हमारे पास बचा आर वन अपॉन में आर टू, ये मेरे पास बचा ए रेज टू पावर अल्फा और ए वन रेज टू पावर अल्फा,
अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू, राइट। तो देखो ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप यहाँ ले लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या अगर दोनों साइड आप लॉग ले लेते हो तो ये बनेगा आपके पास लॉग, सीधा अप्लाई कर दूं तो आर वन लॉग आर टू, बाहर ले लेंगे आपके पास अल्फा, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए वन, बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ अल्फा फाइंड करना हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप दिखा दोगे लॉग आर वन माइनस लॉग आर टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास लॉग ए और लॉग ए वन, तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, बताइए क्लियर है। देखिए फिर आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास क्या था, कोई भी जनरल रिएक्शन ए बी सी एंड सो ऑन हो सकती है, हमें ऐसे जरूरत नहीं है कि हम लोग ए बी सी तक ही ले चले, आप डी तक भी ले चल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बीटा का सम आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो हमें तो अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंसेंट्रेशन हो तो हम लोग एक के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, बाकी दोनों दे ही नहीं रखी, बस समझ में आती है, तब भी हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्या रखा हो, यहाँ से जब आप लोग अल्फा लेते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बी और सी है ये आपके पास क्या होगी, कॉन्स्टेंट टर्म्स होगी, ये क्या होगी एक कॉन्स्टेंट टर्म होगी, बस समझ में आ गई। तो दोनों पे आप कॉन्स्टेंट रखो, रेट आपके पास गिवन होगा, आर वन अलग होगा आर टू अलग होगा, ठीक है, के वन आपके पास के टू की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ से ए वन और ए टू की वैल्यू गिवन होगी, कंसेंट्रेशन गिवन होगा, तो यहाँ से मैं इजिली अल्फा फाइंड आउट कर लूंगा, बस समझ में आ गई। तो आर वन आर टू की वैल्यू आपको मिलेगी, ए और ए की वैल्यू मिलेगी, यानी ए वन और ए की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मैं अल्फा फाइंड आउट कर लूंगा, मुझे दिक्कत ही नहीं होगी, क्लियर है। अब फिर फोकस कीजिए, देखिए हमने क्या लिया था, हमने कंसीडर किया रिएक्शन, क्योंकि मैं इनिशियल रेट मेथड की बात कर रहा हूँ, और इनिशियल रेट मेथड में आपके पास कोई भी रिएक्टेंट लेंगे हम लोग जनरल ए बी सी और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमें पता है कि अगर हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू आपके पास अल्फा बीटा, या आपके पास विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी की कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग अल्फा बीटा का यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, तो रेट में लिख सकता हूँ, आप भी सब लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम बी और सी को क्या कर देंगे, कॉन्स्टेंट कर देंगे अल्फा निकालने के लिए। जब हम लोग बीटा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को कॉन्स्टेंट कर देंगे, और जब गामा निकालेंगे तो ए और बी को कॉन्स्टेंट कर देंगे, निकाल लोगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बी और सी को कॉन्स्टेंट किया, इसको कॉन्स्टेंट, ये खत्म हो गया हमारे पास, बचा क्या आपके पास आर वन अपॉन में आर टू, वैल्यू निकल गई, यहां से हमारे पास वैल्यू निकल गई आपके पास आर वन अपॉन आर टू ए अपॉन में ए वन अल्फा और अल्फा, निकाल सकते हो। आपको पता है इनको हम लोग इकट्ठा करके अल्फा पावर लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉग लिया तो लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी होता है, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी होता है, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से क्या निकाल लिया, अल्फा, ऐसे ही बीटा निकालेंगे, ऐसे ही गामा निकालेंगे, तीनों का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऐसे ही अगर मैं क्या निकालूं, यहाँ से इसको छोड़ते हैं, इसी में रखते हैं। अगर सिमिलरली हम क्या करें, यहां से आपके पास अब क्या निकालना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो क्या करोगे, यहां से एट ए कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट करना है आपके पास, कॉन्स्टेंट ए एंड सी, ए और सी कॉन्स्टेंट कर दिए, तो नया रेट लिखेंगे, तो नया रेट क्या लिखा जाएगा, आर वन आर टू हो गया तो आर थ्री लिख लेते हैं, तो आर थ्री के डैश क्या लिखोगे आपके पास, ये तो हो गया ए रेस टू पावर अल्फा, ये हो गया बी रेस टू पावर बीटा, और ये हो गया सी रेस टू पावर गामा। तो सेकेंड आपके पास होगा आर फोर, इनिशियल फाइनल की बात करोगे तो के वन यानी के डैश ए रेस टू पावर अल्फा, और बी रेस टू पावर यानी बी वन रेस टू पावर बीटा, और सी रेस टू पावर गामा। तो देखिए ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी कॉन्स्टेंट होगी, करिए आर थ्री अपॉन में आर फोर डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा आपके पास के वन और के वन डैश, ये हो जाएगा बी और बी बीटा, बी वन आर रेस टू पावर बीटा, लिख लेंगे इससे कैंसिल। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, देखिए सिमिलर केस है, कोई ज्यादा आपके पास चेंज नहीं करना। अगर आप आर थ्री अपॉन में आर वन आर फोर ले रहे हो तो ये वैल्यू क्या बनी आपके पास, बीटा सॉरी बी अपॉन में बी वन ये रेस टू पावर बीटा और ये रेस टू पावर बीटा, सिमिलर केस आ गया। इसके लिए भी वही करना है, आर थ्री आर फोर क्या हो जाएगा, b अपॉन में b1 वन और रेस टू पावर बीटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन
बोथ साइड। जब आप लॉग लोगे तो लॉग आर थ्री माइनस लॉग आर फोर, ये हो जाएगा बीटा, यहां हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग बी वन। क्लियर? तो अगर आप यहां भी बीटा निकाल के दिखाते हो तो बीटा क्या हो जाएगा, लॉग आर थ्री माइनस लॉग आर फोर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग बी माइनस लॉग बी वन। तो मेरे पास क्या मिलेगा, आर थ्री और आर फोर की वैल्यू गिवन मिलेगी, बी और बी वन की वैल्यू कंसंट्रेशन गिवन मिलेगी, यहां से आपके पास बीटा निकल जाएगा। क्लियर? अगर सिमिलर यही केस आप क्या लेते हो, किसके लिए, इसका और देख लेते हैं, बस समझ में आ गई। सिमिलर केस देखो, लेंथी है ये, मुश्किल नहीं है, बस समझ में आ गई। मतलब क्वेश्चन क्या है, लेंथी है पर मुश्किल नहीं है, पर यहां आंसर का आना 100% श्योर है, आंसर आपके पास बिल्कुल इजिली आ जाएगा इसका। अगर मैं आपके पास तीसरा कंसेप्ट लेके चलता हूं तो तीसरे में देख लीजिए, तीनों निकाल दिया हमने, जब दो तो निकाल लिए, तीसरा और निकाल लेते हैं। अब आपके पास क्या करना है, आप कर दो आपके पास ए और बी कांस्टेंट, तो हम लोग नया रेट लिखेंगे। आर क्या था, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव लिख लेते हैं। आर फाइव क्या लिखेंगे, आर डैश क्या लिखोगे, ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा, सी रेस टू पावर गामा। तो आर सिक्स क्या लिखोगे, के डैश ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा और सी रेस टू पावर, यानी सी वन रेस टू पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट कौन सा हो गया, ये ए और बी कॉन्स्टेंट, इफ क्या रख दिया, ए एंड बी कॉन्स्टेंट। क्लियर है, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट कर दी, तो देखिए क्या आया, डिवाइड कर लो, तो आर फाइव डिवाइडेड बाई आर सिक्स, सीधा लिख दूं मैं, तो क्या लिखेंगे, सी अपॉन में सी वन, ये रेस टू पावर गामा और ये रेस टू पावर गामा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही लॉग लेते हो तो लॉग आर फाइव माइनस लॉग आर सिक्स क्या लिखेंगे, ये गामा, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लॉग सी माइनस लॉग सी वन। तो आपके पास सी गामा क्या आ गया, तो गामा आ गया आपके पास लॉग आर फाइव माइनस लॉग आर सिक्स और अपॉन में लॉग सी माइनस लॉग सी वन। तो ये मेरे पास, हमने अल्फा भी निकाल लिया, हमने गामा भी निकाल लिया, और हमने आपके पास बीटा भी निकाल लिया, तो इनका सम हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप बता सकते हो इजिली, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इससे आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया ना कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, रेट इज इक्वल टू, आपने क्या कहा था, के ए रेस टू पावर एन, और एन क्या था आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इस इनिशियल रेट मेथड से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप इजिली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो, किससे, यहाँ से। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई अगर हम लोग किसी भी चीज की दो की कंसंट्रेशन अगर रखते हैं तो उसका रेट अगर डबल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इस पावर में भी चेंज आएगा। अब पावर में चेंज आएगा तो वही आपके पास क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। तो आई होप आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इसके किस तरह से आ रखे, किस तरह से नहीं। तो थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है कि सर आपके पास इनिशियल रेट मेथड क्या कह रहा है और किस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर इसमें आगे देखते हैं आपके पास कि हम लोग आइसोलेशन मेथड और देख लेते हैं एक बार कि आइसोलेशन मेथड क्या है, और आइसोलेशन मेथड में इसमें आपके पास कितनी कितनी चीजें यूज होनी है। तो आइसोलेशन मेथड देखिए क्या है, पहले अगर आइसोलेशन मेथड की देखो, अभी बहुत चल रहा है आइसोलेट वर्ड, आइसोलेटिंग, कि कोई भी चीज आइसोलेशन में है, आइसोलेशन का मतलब यहां पर क्या हो गया, अलग करना। तो इसमें किसी एक रिएक्टेंट को हम लोग छोड़ देंगे, आइसोलेट कर देंगे, टेकन इस किस में कहता है कि लार्ज एक्सेस, कि अगर आपके पास कोई भी चीज लार्ज अमाउंट में है किसी भी रिएक्शन में तो उसको छोड़ के हमारे पास जो भी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। बस समझ में आ गई, अगर मैं यहाँ पर आइसोलेशन मेथड का जिक्र करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले तो आपको कंसंट्रेशन मेथड क्लियर है नहीं है ये मेरे को बताइए अच्छे से। तो आप इसको पहले बार बार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, और क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किताब में भी इसके आपके पास कई मेथड दे रखे हैं आपके पास, हम लोग जब करेंगे तो इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा, मतलब रिएक्शन की शक्ल देख के भी आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तीन चीज़ें आपको गिवन मिलनी है, देखिए एक बार बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टेबल दे रखी होगी आपके पास इनिशियल रेट मेथड की, और वहाँ पर जैसे ए बी सी या ए बी, जैसे आपके पास कोई ए ले लेगा,
कोई बी ले लेगा और यहाँ रेट लिख देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी 0.3, इसकी 0.3, इसकी 0.4 कर देगा। यहाँ पर रख देगा आपके पास इसकी कितने 0.2, इसकी 0.2, इसकी 0.4, इसकी 0. आपके पास क्या कर देगा, मान लीजिए आपके पास 4 कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे देखिए ये और ये तो कांस्टेंट होगी। अब हम इसको देखेंगे, इसके साथ और इसका रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, तो इसका रेट क्या बढ़ रहा है, सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कंसंट्रेशन। तो रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो जो रेट में चेंजेस आएंगे वो डिसाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को। ठीक है, तो हम लोग मेथड जब करेंगे तो हम लोग इसमें शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करेंगे और लॉन्ग कट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कि कंसंट्रेशन ए बी सी भी हो सकती है, यहाँ पे रेट भी दे रखा होगा, तो वहाँ से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अभी हम तो सिर्फ आइसोलेशन मेथड के बारे में वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, फिर 2 दिन अपना न्यूमेरिकल करेंगे आराम से इस पर। देखिए आइसोलेशन मेथड, तो आइसोलेट करने का मतलब क्या हो गया, अलग करना, बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार में समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे हमारे पास अभी रिएक्टेंट ले रखा था हमने, आपके पास क्या लिया था, ए ए बी बी सी सी, या आपके पास कोई प्रोडक्ट था। ठीक है, इसमें क्या है कि अब तो वहां तो हम लोग किसी को भी कॉन्स्टेंट कर दे रहे थे, कि भाई ए का निकालना था तो बी और सी को कॉन्स्टेंट कर दिया, बी का निकालना था तो सी ए और सी को कॉन्स्टेंट कर दिया, सी का निकालना था तो ए और बी को कॉन्स्टेंट कर दिया। तो वहां कोई फिक्स नहीं था। अब यहाँ भी क्या है तो ये भी सिमिलर, बट यहाँ पर होगा जो लार्ज एक्सेस में होगा ना रिएक्टेंट, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट करेंगे। समझ आ गया, आइसोलेशन में क्या होगा, जो लार्ज एक्सेस में होगा उसको कॉन्स्टेंट करना है, कि जो भी आपके पास कंसेंट्रेशन, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी तीन दे रखे है, और इसमें भी जो भी हम आपके पास जो भी चीज़ें दे रखी है, जो भी कंसंट्रेशन दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, अगर उसका अमाउंट लार्ज है, ज़्यादा है, तीनों में आपके पास सिमिलर तो होगा नहीं, किसी का ज़्यादा किसी का कम होगा, तो जिनका ज़्यादा है उसको कांस्टेंट कर दो, रेट निकाल लो, अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ गया, जिसका ज़्यादा है उसको कांस्टेंट कर दो। सपोज दैट आपके पास बी एंड सी, इसका आपके पास लार्ज एक्सेस है, कंसंट्रेशन क्या है, लार्ज अमाउंट, तो अगर मैं इसका रेट लिखूंगा तो जनरली तो देखो रेट तो कैसे लिखा जाएगा, वही के ए रेस टू पावर अल्फा, बी रेस टू पावर बीटा और सी रेस टू पावर गामा। तो हम क्या करेंगे, हम इस ए इस बी और सी को छोड़ेंगे, बस बात समझ में आ गई, बी और सी को छोड़ के चलेंगे, क्योंकि इनका अमाउंट क्या है, अगर वो होता ए और सी लार्ज होता तो हम इसको छोड़ देते, अगर होता आपके पास ए और बी लार्ज होता तो हम इसको छोड़ देते, तो वो कोई इशू नहीं है, वो आपको दिख जाएगा जब आप लोग यूज करोगे ऐसे, कि हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए आइसोलेशन मेथड का मतलब क्या, आइसोलेट करने का मतलब क्या। मान लो कि अभी जैसे चल रहा है तो कोई बीमार हो गया, बोले इसको आइसोलेट कर दो, तो क्या उन 5 बंदों को किया, उस बंदे को उठा लिया, क्यों, क्योंकि उनकी सबकी आपके पास कंडीशन क्या थी, कॉन्स्टेंट थी, स्थिर बनी हुई थी, बाकी बचा कौन, एक वही था जिनकी रेगुलर चेंज हो रही थी, तो उसको उठा लिया, उसका रेट निकाल लिया सीधा। तो हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ से रेट लेता हूँ तो वही इनिशियल और फाइनल के लिए, तो क्या करोगे, आर वन के डैश क्या रखेंगे, ए रेस टू पावर अल्फा, और आर टू के डैश क्या रखोगे, ए वन रेस टू पावर अल्फा। सिमिलर केस, आर वन अपॉन में आर टू, और क्या रख दोगे, ए अपॉन में ए वन रेस टू पावर अल्फा, निकाल सकते हो, बताइए सिमिलर है, वो कब हो गया है, मतलब आइसोलेशन में ज्यादा नहीं है, बस यहाँ एक ही चीज है, यहाँ पर एक चीज मेजर क्या है, कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी, जो भी आपके पास ले रहे हो, बी ले लिया आपने, सी ले लिया, ए ले लिया, डी ले लिया, जो भी आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस पर डिपेंड करेगा, हम लोग उसको कॉन्स्टेंट मानेंगे, बस, और इसमें कुछ नया नहीं है, नहीं तो बाकी लगभग सिमिलर ही है, आइसोलेशन और आपके पास इनिशियल रेट मेथड लगभग सिमिलर से है, बस एक चीज का फर्क है, मेजर पॉइंट जो है आपके पास वो ये है कि इसमें जो लार्ज अमाउंट में होगा ना, चाहे वो ए बी हो, चाहे आपके पास बी सी हो, चाहे आपके पास सी हो, चाहे डी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जो लार्ज होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। फिर रेट निकालना तो फिर हमें आता ही है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको लॉग से बता दिया, लॉग देखना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल चलने वाले हो उनमें सब में लॉग का इस्तेमाल होगा। और देखो पावर्स को सॉल्व करने के लिए लॉग से बेटर टर्म्स कुछ नहीं है। ये लॉग ए बाई बी है, फिर बता देता हूँ, लॉग ए बाई बी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, कि सर ये लॉग आपके पास क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन में आर टू, अगर इसका लॉग लॉग है तो लॉग ए अपॉन में ए वन रेज टू पावर अल्फा। तो आपको पता है कि हमने 3 टर्म्स पढ़े थे लॉग के, सबसे पहला टर्म्स पढ़ा था लॉग ए बाई बी,
log a raise to power b और log a into में b, तो log a by b क्या होगा, a minus log b, और ये होगा b log a, और ये होगा a plus log b, ये मिलेगा आपके पास। तो हमने तो सिर्फ क्या है, फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, log r1 minus log r2, यहाँ लिखोगे अल्फा यहाँ आ गया, log a minus log a1, बस कुछ नहीं, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से r1 r2 की वैल्यू मिलेगी मेरे को, क्लियर, r2 डिवाइडेड बाय log a minus log a1, सिंपल है, यहाँ से अल्फा निकल गया, ऐसी बीटा ऐसी गामा, और हमें पता है कि अल्फा बीटा और गामा का सम क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आप दोनों मेथड से कर सकते हो, पर मैं आपसे कहूंगा कि इनिशियल रेट मेथड आपके पास बिल्कुल सिमिलर है, देखो इसमें आइसोलेशन में या इनिशियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आइसोलेशन और इनिशियल बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन कहाँ कॉन्स्टेंट रखनी है कहाँ नहीं रखनी, ये बात है। और ये हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हमने पांच मेथड पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहला हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मेथड से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, सेकंड थिंग इंटीग्रेशन रेट मेथड से, इंटीग्रेशन से, थर्ड थिंग आपके पास ग्राफिकल से, फोर्थ आपके पास इनिशियल रेट मेथड से, ठीक है, और थर्ड थिंग फिफ्थ आपके पास किस तरह आ गया, आइसोलेशन मेथड से, ये पांच मेथड है जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखा सकते हैं कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इसको दो बार तीन बार चार बार जितनी बार भी पढ़ सकते हो आप इसको पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद आप इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हो। आपने यहाँ से जैसे अभी अल्फा निकाल लिया, ऐसे आप यहाँ से बीटा निकालोगे, ऐसे यहाँ से आप गामा निकालोगे, ऐसे यहाँ से आप क्या निकालेंगे, कोई भी आपके पास गामा जीटा दे रखा हो उनको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास अल्फा बीटा का सम, अल्फा बीटा गामा का सम ही आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अल्फा बीटा गामा का सम। तो कल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में, ग्राफिकल भी करेंगे, ठीक है, इन दोनों मेथड के, हमने जो पढ़े हैं पीछे उसके, तो हमने पीछे वाले जो न्यूमेरिकल थे आपके पास डिटरमिनेशन ऑफ जो मेथड हमने डिस्कस किया था कि भाई आपके पास डिकम्पोजिशन यानी वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन, इनके साथ हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आप लोग डिस्कस करोगे, हालांकि उनके भी ले लेंगे हम लोग, ज़्यादा हम लोग इनिशियल रेट मेथड के लेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जिसमें आपको सारा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप इस चीज़ को कीजिए और करने के बाद हम लोग इसमें आगे चलेंगे। तो अच्छे से इसको करना है, ध्यान रखना, बढ़िया से बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है इसको, और ज़रा भी पैनिक नहीं होना क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था, इसके बाद अपने पास क्या आ रहा है, एक यूनिमोलिकुलर यानी सुडो फर्स्ट मोलिकुलर रिएक्शन, और एक हमारे पास मिलेगी अरेनियस इक्वेशन पे, फिर हमारा चैप्टर ये ख़त्म। इसके बाद आपके पास किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ए टू जेड थ्योरेटिकल है, सरफेस पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल, एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल, पी ब्लॉक पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल, ठीक है, डीएनएफ पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल, फिर ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो देखते हैं आपके पास, फिर डिसाइड कर लेंगे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है या आपके पास फिजिकल के चैप्टर लेके चलने हैं, यानी सरफेस तो करेंगे उसके बाद देखेंगे आपके पास, ठीक है। तो आप लोग पहले इसके न्यूमेरिकल कीजिए खुद, ताकि मैं भी आपके पास कराऊँ तो आपको ईजिली है समझ में आ जाए कि कौन से न्यूमेरिकल कहाँ से लिए हुए हैं। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद करना है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।